जीएनटी स्पेशल में आज बात अविश्वास की। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आज अंतिम दिन है और प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे चर्चा का जवाब भी देने वाले हैं। पीएम मोदी क्या बोलेंगे इस पर देश की निगाहें रहेंगी, लेकिन उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के बीच आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी दिलचस्प कहानियां सुनाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं 1996 के लोकसभा चुनाव से, जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था, लेकिन बीजेपी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी थी। इसीलिए राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सरकार बन भी गई, लेकिन बात जब बहुमत साबित करने की आई तो कोई फॉर्मूला नहीं चला और 13 दिन बाद वाजपेयी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन संसद में बहुमत साबित ना कर पाने और इस्तीफे के ऐलान वाला वाजपेयी का वो भाषण आज भी याद किया जाता है। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जमाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी को अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यश। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवास से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। इस्तीफे की गूंज कई दिनों तक संसद में सुनाई दी थी। इस्तीफे के कुछ ही दिनों बाद बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सुषमा स्वराज ने संसद में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा था। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी।
भूत शकुनी की दुष्ट चालों ने जब भूत शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाफ तो कितने मंथराए और कितने शकुनी करते हैं। हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे। अध्यक्ष जी, शायद राम राज्य और सुराज्य की नियति ही यही है। अध्यक्ष जी, राम राज्य और सुराज्य की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ, पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान ने उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई, हिंदुस्तान ने उस दिन सुराज्य की नींव पड़ गई। दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ करहा उठे थे, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। और ऐसा ही एक वाक्य हुआ था 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार फिर गिरी थी, लेकिन अब की बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि विश्वास प्रस्ताव की वजह से। विश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से पेश किया जाता है ये बताने के लिए कि उसके पास सदन का भरोसा है। 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया, लेकिन AIADMK ने अपना समर्थन वापस ले लिया, इससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। विश्वास प्रस्ताव की डिबेट में कई नेताओं ने भाषण दिए, लेकिन उन सब में लालू यादव का अंदाजे बयां कुछ और ही था। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो, कहीं मेरे चाचा बैठे हैं गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है, आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को, चिंता मत कर। तो ये जो मन है मतवाला, कहीं हम लोग के गुरु जौर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के, मुझे अफसोस है, मैं आता हूं कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी मतवाला भोला, थुमक थुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो, जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे थे, ऐसे ही लोगों के लिए ये धरती ज्यों का पृथ्वी खामोश है, वहीं ज्यों का त्यों है। सूफी आए संत आए, आपके सूफी संत जैसे अडवाणी जी बैठ के उपदेश पढ़ा रहे थे, आपने सोचा नहीं कि आपका सत्यानाश क्या हुआ, किसने किया ये बात। 13 महीना आपको एक मौका था, आप कांग्रेस की बात करते, सीपीआई सीपीएम की बात करते, जोर साहब वहां बैठे हैं, सन 77 में छपरा से मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के आया था लोकसभा का, हम सब लोग एक साथ थे, सभी लोग आंदोलन में थे, आप लोग भी जेल हम लोग भी जेल, कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे, उस समय जसवंत बाबू जेल में नहीं थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, थे क्या आप जेल में? आईएएस हाँ, कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल। तो आप लोग तो आप तो बिना हरे फिटकरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी। अब उसमें आप अकेले नहीं हैं, दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे, तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत ये हम देश की जनता को मालूम है, यहां भाषण चतुराई से आप नहीं कह सकते कि हम लोगों ने गिराया, ये तो आपके आप खुद
आपका जो जिनका समर्थन था घट गया, आप खत्म हो गए, चलिए अब यहां से। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे उसकी चिंता आपको क्यों है। हम भैंस चरा के दूध के पी लेंगे, बेच लेंगे आपको, लेकिन सत्ता पर हम नहीं रहने देंगे, जान लीजिए। इसलिए आपने रुके, अपने मन से आपने विश्वास मत प्रकट नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री, गृह मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर गए राष्ट्रपति जी के यहां कि आप ऐसा मत करिए। आप कौन होते हैं करने वाले वहां? आपने कुतर्क दिया और हम लोग सब नेता गए तो हम लोगों ने तर्क दिया, आपने कुतर्क दिया और हम लोगों ने तर्क दिया। उदाहरण है, प्रेसिडेंट है बीपी सिंह देवड़ा जी और हाल हाल में राबड़ी देवी बहुमत में, और भंडारी जी बोले कि बिना फ्लोर ऑफ द हाउस में कॉन्फिडेंस लिए हुए आप बजट में हाथ नहीं लगा सकती। तो भारत एक, संविधान एक, राष्ट्रपति एक, तो बिहार में कुछ और यहां आप गए थे कुतर्क पेश करने। इसलिए राष्ट्रपति जी को जितना बधाई और धन्यवाद दिया जाए वो कम है। वाजपेयी सरकार की तरह इंद्र कुमार गुजराल को भी विश्वास प्रस्ताव के चलते ही सत्ता से दूर होना पड़ा था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 1997 में बीच के रास्ते के रूप में यूनाइटेड फ्रंट और कांग्रेस के समर्थन से देवेगौड़ा प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन कांग्रेस ने अप्रैल 1997 में ये कहते हुए समर्थन वापस ले लिया कि कांग्रेस से महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह नहीं ली जाती और उसे अलग अलग कर दिया गया है। तब इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर बहुमत बनी, गुजराल सत्ता में आ गए, लेकिन विश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्हें विपक्ष के बेहद तीखे तेवर का सामना करना पड़ा। खास तौर पर प्रमोद महाजन ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी चर्चा विश्वास अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन ने देखी नहीं, क्योंकि जो विश्वास मांग रहा है उसे अपने पर ही विश्वास नहीं है, उसका अपनों पर ही विश्वास नहीं है। जब अपने पर विश्वास ना हो और अपनों पर भी विश्वास ना हो तो परायों के सहाय से वो अपने आप को विश्वास मत पारित कर लेगा, इस भ्रम में इस प्रकार की चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने विश्वास का प्रस्ताव रखा, हम निश्चित रूप से अपेक्षा करते थे। आदरणीय जसवंत सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में विस्तार से यह बताते कि विश्वास का प्रस्ताव रखने की नौबत उन पर क्यों आई। हिंदुस्तान की सारी राजनीति में एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, ना खाता ना बही, हम जो कहे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम जो कहे वही सही। अब साहब, जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा 50 वर्ष तक ऐसी थी कि हम जो कहे वही सही, उसको आपने नोटिस दी थी डिस्प्रोपोर्शनल एसेट है बल्कि आपके, अरे डिस्प्रोपोर्शनल एसेट की नोटिस दी थी। 25 साल लोगों ने हिसाब में नहीं मांगा और आप हिसाब मांगने लगे, डिस्प्रोपोर्शनेट है। अब अगर गुस्सा आया हो तो उसमें दोष किसका है? तो कुछ तो, मैं तो कांग्रेस वाले बोल नहीं रहे खुलकर, इसलिए मैं उनकी थोड़ी मदद करना चाहता हूं। उसी चर्चा के दौरान सरकार पर विपक्ष में बैठी सुषमा स्वराज ने अपने बयानों के बाणों से तीखा हमला बोला था। सुषमा स्वराज के उस भाषण को आज भी याद किया जाता है। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने ये कहा कि 11वीं लोकसभा जिसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है वो सबसे ज्यादा संख्या में विश्वास मत लाने के लिए चर्चित होगी। बिल्कुल सही बात है। आज तक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हुआ देश में 5-4 इसी संसद में, बिल्कुल सही कह रहे हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, वास्तव में देश का कोई पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए इस सरकार ने विश्वास प्रस्तावों का सीरियल बनाने का फैसला किया है जिसका तीसरा एपिसोड आज हम देख रहे हैं।
प्रधानमंत्री भी पूर्व सूचना मंत्री और आप भी अध्यक्ष जी, अभी विश्वास मत रखते हुए अपने पहले वाक्य में प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आने वाले दिनों की कुछ बात कहूं तो अच्छा होगा। आने वाले दिन की बात तो हमने सुनी गुजराल जी, लेकिन कुछ बीते हुए दिनों की भी बताते तो ज्यादा अच्छा होता। ये सरकार आगे क्या करेगी ये तो हम सब देखेंगे, लेकिन ये सरकार अस्तित्व में कैसे आई जरा इसकी भी दास्तां सुनाते तो अच्छा होता। अध्यक्ष जी, गए 10 दिनों में इस देश के राजनीतिक रंगमंच पर जो कुछ घटा है वो बेहद शर्मनाक है। वो 10 दिनों का इतिहास धोखाधड़ी और बेवफाई का इतिहास। जो मंत्री आज इस तरफ बैठे हैं, अध्यक्ष जी, आज से 10 दिन पहले जब विश्वास प्रस्ताव यहां रखा गया था, जिस समय वो प्रस्ताव रखा जाना था मैं सदन में प्रवेश कर रही थी, मुझसे बाहर एक पत्रकार ने पूछा, सुषमा जी आज क्या होगा? तो मैंने कहा होगा क्या, या इस सरकार की जान जाएगी या नाक जाएगी। लेकिन उस दिन मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि इस सरकार की एक दिन जान जाएगी और दूसरे दिन नाक भी जाएगी। जो सरकार 11 अप्रैल को गिरी, आज वही सरकार अपनी प्रतिष्ठा धूल में मिलाकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की दुनिया में जग हंसाई करवाकर खिल्ली उड़वाकर पुनर्जीवित हो रही है। वो मंत्री जो 10 दिन पहले इसी सत्र में इसी सदन में देवेगौड़ा के साथ जीने मरने की दुहाई दे रहे थे, आज वो सभी गुजराल जी के नेतृत्व में वापस इस तरफ बैठे। 1999 में लाए गए वाजपेयी सरकार के विश्वास प्रस्ताव के दौरान ही एक और दिलचस्प वाक्या हुआ। डिबेट के दौरान लालू यादव अपने पूरे रंग में बोल रहे थे, बात की लय में उनके मुंह से तब वाजपेयी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही ममता बनर्जी के लिए कुछ निकल गया। बस फिर क्या था, ममता बनर्जी अपने अंदाज में लालू यादव से भिड़ गई। फिर क्या हुआ आप भी देखिए। आज जब लोहा गर्म हो गया तो नीतीश जी ने कहा मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। लालू जी ने मेरे को नाम बोला है मिनिस्ट्री का बारे में, मैं जस्ट ओनली फॉर 1 मिनट आई वांट टू क्लैरिफाई माय पोजीशन। सर मैं सीट डाउन हो जाता हूँ, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते है। जो बात प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी को पहले से कहा है, हम लोगों ने आभारी है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मौन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है। क्यों आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ महोदय महोदय माननीय माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, लालू जी, संसद में विश्वास और अविश्वास की इस जंग के दौरान एक और यादगार भाषण सुना गया था 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष को करारा जवाब दिया था। घरेलू मामलों में मतभेद होंगे, हमारा एक लोकतांत्रिक युद्ध चल रहा है, हम शांति से परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं, सत्ता बदल के आए हैं और आप उसको फिर से चाहते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन उसमें क्या विदेश नीति के सवाल पर भी इस तरह से देश को बांटा जाएगा? ये तरीका नहीं है देश को चलाने का, और इसीलिए मुझे संदेह होता है
अगर आप ये कहते हैं कि हम देश को चलाएंगे तो आप चलाएं तो बहुत अच्छा है। हम नहीं चला रहे, हमने तो मिलीजुली सरकार का एक नक्शा आपके सामने रख दिया है और वो मिलीजुली सरकार चल रही है, आपके विरोध के बावजूद चल रही है और 5 साल से चल रही है। लोगों का मिलीजुली सरकार पर भरोसा जमने लगा है, अच्छी बात है। कांग्रेस को भी अब मित्रों की जरूरत है। अब कौन मित्र के रूप में मिलेगा, वो कैसी मित्रता निभाएगा, कांग्रेस के रवैये में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या जो मित्र नया मित्र बनकर जाएगा वो फिर पटकनी खाएगा, मैं नहीं समझता कि ये बातें स्पष्ट हैं। लेकिन मिलीजुली सरकारें युग युग का धर्म है। 2018 में जब मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया तो संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म किया और सबको हैरत में डालते हुए पीएम मोदी की तरफ बढ़ गए। राहुल गांधी को अपनी तरफ आते देख पीएम मोदी भी हैरान दिखे। राहुल गांधी उनके करीब गए और पीएम मोदी के गले लग गए। आई कैन सी स्माइलिंग बट देयर इज अ टच ऑफ नर्वसनेस इन द जेंटलमैन। Of nervousness in the gentleman, and he is looking away from me. I can understand that. And now he cannot look into my eyes. He cannot look into my eyes. I can see that. How can it be? Because the Prime Minister has not been truthful. मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। नफरत है आपके अंदर, मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस है। इट्स इंटरेस्टिंग, यू लाइक इट, यू एंजॉय दिस वन। दिल ही दिल में उस दिन शायद सब यही मंथन कर रहे थे कि राहुल गांधी का ये दाव सही है या गलत। कांग्रेस खेमे की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनकी तरफ से छोड़ा गया तीर निशाने पर लगा है, लेकिन राहुल की निगाहों का निशाना पीएम मोदी ने जरा डाइवर्ट कर दिया। राहुल के वार पर पीएम मोदी का पलटवार देखने लायक था। प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आग डाल सके। कोई गरीब मां का बेटा, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है, आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल।